नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यानी प्रबंधकीय लेखांकन की। प्रबंधकीय लेखांकन के आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या होती है, यानी इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा हुआ है, और भी ऐसे हम लोग लगातार और भी कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसको हमें जरूर बताइए। प्रबंधकीय लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधकों के द्वारा तरह तरह के नियमों एवं योजनाओं को बनाया जाता है। यानी जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, वह तमाम तरह के नियमों को और योजनाओं को बनाता है, यानी प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है। उन्हीं नियमों एवं योजनाओं के अनुसार कार्य भी निर्धारित किए जाते हैं, और जो नियम और योजनाएं होती हैं, प्लानिंग्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य करने होते हैं किसी भी कंपनी को, सारे के सारे कार्य निर्धारित किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। प्रबंधकीय लेखांकन के महत्व या आवश्यकता की बात की जाए तो इस बात को देखा जाता है कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, उसकी कार्यशैली एवं कार्यकुशलता क्या है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य एवं महत्व कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया जाता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते समय उसकी नीड क्या है, आखिर क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए किसी भी कंपनी में। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कंपलसरी होती नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर एक कंपनी में, एक बिजनेस एंटिटी को कंपलसरी रूप में अपने वहां पे अडॉप्ट करना पड़ता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना कोई भी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा, पीएल अकाउंट नहीं बन पाएगा, मतलब फाइनल अकाउंट बन ही नहीं पाएगा। और फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएगा तो कंपनी के लिए यह बहुत ही दुविधा हो जाएगी किसी भी व्यवसाय के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों उपयोग में लाया जाए उसकी आवश्यकता बताती है। और जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का महत्व क्या है, भाई किसी भी चीज का महत्व क्या है, उससे लाभ क्या मिल रहा है, उसके बारे में अगर मालूम होगा तभी ना किसी भी चीज को अपने वहां पे अडॉप्ट किया जाएगा। तो उन्हीं महत्व को हम लोग समझेंगे आगे, जो इस प्रकार से हैं। पहला है उचित नियोजन, यानी प्रॉपर प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी कंपनी में अडॉप्ट किया जाता है तो सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है। दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो भी किसी भी कंपनी का कार्य क्षमता है उसमें लगातार वृद्धि होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सारा का सारा डेटा जो भी आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से, उसको एनालाइज करके एक अच्छा सा रिपोर्ट दिया जाता है, और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी कार्य करती है आगे चल के। तीसरा है लाभ को अधिकतम करना, यानी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। कंपनी को अपने वहां जो भी कमियां हैं, सारी की सारी कमियां अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिल जाएंगी तो उन कमियों को दूर करके कंपनी क्या करेगी, अपना सेल्स बढ़ाएगी और अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। इन तमाम तरह के क्रियाकलापों से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती है। चौथा है प्रभावपूर्ण प्रबंध नियंत्रण, यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। यहाँ पे प्रबंध लेखांकन के द्वारा इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल भी हो पाता है, क्योंकि सारी की सारी बातें विश्लेषित रूप में जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको मालूम चल जाता है, पता चल जाता है। पांचवा, ग्राहकों को सेवा, यानी सर्विस टू कस्टमर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का महत्व ये भी होता है कि ग्राहकों को सेवा देना। छठवां है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजिंग बनी रहती है, ये महत्व है। सातवां है नियुक्तियां, यानी स्टाफिंग सही तरीके से हो पाती है। और आठवां है निर्देशन, यानी डायरेक्शन सही तरीके से हो पाता है अगर कोई भी कंपनी अपने वहां मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है तो। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि प्रबंधकीय लेखांकन की आवश्यकता क्या है एवं महत्व क्या है।
यानी इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यदि आपके पास और भी कोई प्रश्न है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वन बाय वन जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।